अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हम आपको देश में सफाई के मामले में पहला स्थान पाने वाले शहर इंदौर का वह काला सच दिखाने जा रहे हैं जिसने इंसानियत व मानवता को शर्मसार कर दिया है। इस वीडियो को देखकर यही कहा जाएगा कि मानवता और अमानवीयता के बीच का फासला स्वच्छ शहर के रूप में विख्यात इंदौर ने नए रूप में पार किया है। नगर निगम इंदौर ने कूड़ा करकट की सफाई के साथ ही उन बुजुर्ग लोगों को भी ट्रक में जानवरों की तरह भर कर शहर के बाहर डाल दिया, जिनके बच्चों ने वृद्धावस्था के कारण उन लोगों से किनारा कर लिया है। शहर से कूड़े की तरह इन वृद्ध महिलाओं व बुजुर्गों को चुन चुन कर ट्रक में डाला गया था। इंदौर नगर निगम अपने इस कृत्य को अंजाम दे ही रहा था कि स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने इस शर्मनाक घटना का विरोध कर दिया। मजबूरन नगर निगम कर्मियों को वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार को इस काले कारनामे पर घेर लिया है तो गर्दन बचाने के लिए दो कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं इंदौर नगर निगम की काली करतूत जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया है। इतना ही नहीं, इस वायरल वीडियो में ट्रक ड्राइवर आदि को इस करतूत पर बेशर्मी से हंसता हुआ भी देखा जा सकता है। ये इंदौर से भर के लाए, नगर निगम की गाड़ी यहाँ फेंकना आए ये भैया शिवराम लाके छोड़ रहे, फेंक रहे थे गांव वाले, तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, तीन भैया, ये भैया अंदर अम्मा को बैठाओ यार, उठाओ बैठाओ उनको, उठाओ उनको, सबको फेंक देते चलते फिरते, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। आज क्या ये क्या मुख्यमंत्री का फोन आने पूछते हैं? क्या आदेश है भैया, क्या आदेश है? पूछ पूछ, हम लोग तो कर्मचारी, हमारा कुछ 181 भी लगे तो गाड़ी नंबर वगैरह, ये गाड़ी नंबर आपको सब सारी चीज़ें यही है, 181 भी लगे। चलो गाड़ी का फोटो लो, गाड़ी का फोटो लो, पूरा गाड़ी के फोटो ले, नंबर देख नंबर, ये इंदौर नगर निगम गाड़ी है भैया। ये गाड़ी नंबर है भैया, इंदौर नगर निगम अतिक्रमण निरोधक वाहन, ये ड्राइवर साहब भैया ये छोड़ना आए थे, फेंकना आए थे यहाँ। इस बारे में अपर आयुक्त अभय रंजन गांवकर ने यह सफाई देने की कोशिश की। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से है कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रैनबसेरा ले जाया जाए, और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रैनबसेरा ले जाएं, उसको रैनबसेरा में छोड़ें, और यही कार्रवाई की जाती है। अभी जो सामने आ रहा है उसमें रैनबसेरा ही छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि कुछ मिसहैंडलिंग हमारे लोगों ने की होगी या उसके कहने पे कुछ कहीं सीधे रैनबसेरा क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने भी तत्कालिक कार्रवाई करते हुए हमारे दो कर्मचारी जो वहां थे उनको सेवा से पृथक कर दिया। कौन कौन है कर्मचारी, नाम देता हूं एंड बात शेष पर हम लोग उसमें और तहकीकात कराएंगे। श्री ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी, ये दोनों रैनबसेरा कर्मचारी, इन दोनों को सेवा से पृथक कर दिया। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।